तो चलिए दोस्तों, आज आपको सैर करवाते हैं बीकानेर वालों की। आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे। दोपहर का टाइम हो चुका है और आज है संडे, तो भूख भी लग गई है, तो यहाँ पे कुछ खाते हैं स्पेशल और आपको भी दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। तो ये है जी बीकानेर का ग्राउंड फ्लोर का हॉल। यहाँ पे आपको मिलेगी दुनिया भर की हर तरह की मिठाई। तो जल्दी से आपको थोड़ा सा इसका ओवरलुक दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है जी हिंदुस्तान की बेहतरीन मिठाई, स्वीट्स मिलने वाली है जी, और दुनिया की हर तरह की यहाँ पे आपको स्वीट्स मिलेंगे। ये काउंटर सजे हुए हैं, तो देख के आदमी तो कंफ्यूज हो जाए कि इतनी वैरायटी है इनके पास, इतनी वैरायटी है, और इंडिया में इनका बहुत ज़बरदस्त नाम है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर है जी सिटिंग एरिया, वहाँ पे करते हैं लंच। भूख बहुत लगी है, तो देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं हम। आइए मेरे साथ। तो ये है जी इनकी लाइव किचन, यहाँ पे सारा ऑर्डर प्रिपेयर होता है। तो चलिए अब टेबल पे चलते हैं, देते हैं वहाँ पे ऑर्डर। तो सेलेक्ट करते हैं मेन्यू में से कि आज खाएंगे क्या। आई थिंक टेबल सेलेक्ट करते हैं। टेबल पे आ चुके हैं जी। ये है बीकानेर का फर्स्ट फ्लोर पे हॉल, पीछे लाइव किचन है। तो ऑर्डर देते हैं, तो कहते हैं किसने, एक्सक्यूज़ मी, आप मेरा ऑर्डर ले लीजिए। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को आपने पूड़ी और दाल वाली सब्ज़ी है ना वो, ओ सॉरी आलू की सब्जी है, वो वाली प्लेट एक करवा दें प्लीज़। ठीक है, जी 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 वो करवा दीजिए। अच्छा अच्छा, तो जी नंबर आ गया ये यहाँ पे। थैंक यू मैम। अब सर्व होगा यहाँ पे जी हमारा पूड़ी और साथ में आलू की सब्जी। तो देखते हैं, रोड साइड में तो बहुत ट्राई किया, तो बीकानेर एक गुड ब्रांड में आए हैं, तो देखते हैं क्या टेस्ट निकलता है। तो लीजिए जी हमारा ऑर्डर आ गया जी। वाह सर, आपकी वेट में पूरी आलू सब्जी। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया जी प्रेपरेशन आपकी, सुंदर सी थाली। थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया। अगर ज़रूरत पड़ी और किसी चीज़ की मैं आपको बोल दूँगा। थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस ये आ चुकी है जी हमारे टेबल के ऊपर इनकी पूड़ी और आलू वाली सब्जी के साथ। साथ में आ चुका है जी पिकल, और साथ में इसको निकालते हैं जी ट्रे को यहाँ। तो भाई साहब ये देखिए, तो आ चुका है जी हमारे टेबल के ऊपर हमारा भोजन। तो जी इसका इन्होंने चार्ज किया 126 रुपीस, और पूड़ी है चार, साथ में आलू की सब्जी, और पूड़ी का साइज़ आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में तो ऐसे ही आ गई है जी। ये देखिए भाई साहब, तो ये साइज़ है जी पूड़ी का। तो चार पूड़ी दी हैं, चलिए थोड़ा सा जस्टिफाई कर दिया इन्होंने कि चार पूड़ी दी हैं, साइज़ छोटा। तो अब देखते हैं कि टेस्ट में कैसा है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट फूड है, पूड़ी छोले वाला आइटम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। तो ये है जी पिकल इसके साथ, तो पिकल है जी इनका मिक्स वेज पिकल है जी। तो इसको हम करते हैं जी ओपन, चलिए ये हो गया जी ओपन, इसको बाहर निकालते हैं। चलिए यहाँ रखते हैं। तो भाई साहब टेस्ट करते हैं। वाह क्रिस्पी है और गर्म भी है, अच्छी तरह गर्म है, और थोड़ा सा पिकल लगा के तो ट्राई करते हैं सब्जी के साथ। रोड साइड में तो बहुत पूड़ी छोले खाए हैं और आलू की सब्जी भी खाई है, तो इसका टेस्ट कैसा है। बीकानेर वालों के पास आए हैं, हॉल में बैठे हैं, एसी चल रहा है, और आप देख रहे हो कि साफ़ सुथरा बढ़िया सेटअप है, और 126 आई थिंक जस्टिफाई होता है इसमें। अब टेस्ट में जस्टिफाई है कि नहीं ये चेक करते हैं। पहली बाइट में पता नहीं चला क्यों, क्योंकि मैंने पिकल ले लिया था, तो पिकल का टेस्ट ज़्यादा आया, अचार का टेस्ट ज़्यादा आया, नींबू का अचार है उसका ज़्यादा टेस्ट आ गया। अब इसका सब्जी के साथ विदाउट अचार के साथ करते हैं टेस्ट। बहुत ही होनेस्ट रिव्यू दूंगा, अगर मैं बात करूं कि बीकानेर जो ब्रांड है, एक नेम है, बहुत ब्रांड नेम है, और इंडिया में क्या, इंडिया के बाहर भी इसको जाना जाता है। आपका 126 में अगर आपने एक टाइम का मील लेना है तो उसके लिए बेस्ट है। एक चीज़ और, जो इन्होंने पूड़ी दी है ना इस साइज़ की, तो आराम से इसकी एवरेज 3 बाइट बनती हैं, और 3 बाइट में ये पूड़ी फिनिश हो जाती है। तो
थैंक्स बीकानेर वालों का कि चार पूड़ी दी हैं, तो अगर दो तीन देते तो जस्टिफाई नहीं होना था। तो सब्जी में मुझे लग रहा सब्जी में स्पाइस, सब्जी जो है स्पाइसी नहीं है, आराम से बच्चे भी खा सकते हैं। नमक हल्का सा मुझे कम लगा, नमक का कोई नहीं, अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं कि आप ऊपर से और डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा होता तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो सब्जी ओवरऑल बढ़िया, तो आपका ऐसा फील होगा, कुल मिला के आपको फील होगा कि ठीक है आप 126 में एक अच्छा मील ले रहे हैं और बढ़िया आपका लंच हो सकता है इसमें, लंच या आप ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं। तो ठीक है जी, आज का लंच यही है, इसको करता हूँ मैं फिनिश। तो फिर मैं अगली बार कोशिश करूँगा कोई और अच्छे ब्रांड में जाऊँ और वहाँ पे कोई ना कोई डिश ऑर्डर करके आपको मैं उसका टेस्ट का भी आइडिया दूँ, तो वर्थ है कि नहीं है। अगर मैं रोड साइड वाली की बात करूँ कि स्ट्रीट फूड में क्या होता है कि मसाले वसाले थोड़े ज़्यादा होते हैं तो खाने में टेस्टी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे खड़े होकर खाने का एक अलग ही मज़ा है। स्ट्रीट फूड में भी अच्छा आपको यही कॉम्बिनेशन इससे कम प्राइस में मिल सकता है, पर वो जगह अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। स्ट्रीट फूड आजकल वैसे भी अब ध्यान रखना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ठीक है, मिलते हैं फिर दोबारा किसी और अच्छे ब्रांड के साथ और फूड का करेंगे कंपैरिजन। टेक केयर, बाय बाय।